नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसे बहुत से लोग जीवन में मिलेंगे जो कि अपने जीवन में काफ़ी निराश हो जाते हैं। उन्हें भगवान को लेकर ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि शायद भगवान उन्हें भूल ही गए हैं या शायद उनसे प्रेम ही नहीं करते। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताया गया है जो ये बताते हैं कि भगवान आपके साथ हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। किसी के जीवन में अपार दुख होता है तो किसी के जीवन में उसे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं। भगवान पर से उसका विश्वास उठने लगता है और वो इस सोच में पड़ जाता है कि क्या अब हमारे लिए ईश्वर का स्नेह कम हो गया है। तो आपके इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम आज आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ईश्वर आपके साथ हैं या नहीं उसका स्पष्टीकरण करते हैं। ईश्वर यदि आपसे प्रेम करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला संकेत वो देते हैं वो ये है कि उसके अनुसार आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन जब ईश्वर का साथ है तो विफलता क्यों, ये आप सोचेंगे। तो ये इसलिए क्योंकि आप प्रत्येक कार्य में अपना 100% देंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आपकी आँखें खुल नहीं जाती और आप जीवन के सही उद्देश्य को पहचान नहीं लेते। दूसरा संकेत जो है वो ये है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, जब ईश्वर आपके साथ होंगे तब आपको बिल्कुल अकेला महसूस होने लगेगा। उस समय आपको न ये समझ में आएगा कि अब क्या करें और ना ही आप अपने आप को ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां आपकी कोई मदद कर सकता है या आपकी कोई सहायता कर सकता है। अगर आप किसी से अपनी परेशानी बताने भी जाएंगे तो भी आप उसे बता नहीं पाएंगे, और अगर किसी तरह आप बताने में सफल हो भी जाते हैं तो उन्हें आपकी परेशानी बहुत छोटी लगेगी, वो आपकी परेशानी पर ध्यान ही नहीं देंगे। ईश्वर का जो तीसरा संकेत होता है वो ये है कि आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा में होगा। ऐसी स्थिति में आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। आप दुख की चरम सीमा को अनुभव करने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने महान संतों के जीवन के बारे में सुना होगा, वो सभी अपने अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से हमेशा घिरे रहते थे और उसी समय उनके मन में वैराग्य आया। फिर इस जीवन और भौतिक सुखों से वो आगे बढ़कर उनके मन में ईश्वर को जानने की एक प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से किसी भी मनुष्य को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। वैसे तो दुखों से टूटना जायज़ है, लेकिन यही दुख जो होते हैं वो मन में ईश्वर के प्रति प्रेम को विकसित करने में आपकी सहायता करते हैं। और जो हमारे महान संत हुए हैं वो इस सच्चाई से भली भांति अवगत हो चुके थे और इसीलिए वो ये बात समझ पाए कि संसार में सारा सुख नहीं है, संसार में कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है और वही शायद ईश्वर है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि आप जब तक हार का सामना नहीं करेंगे तब तक आप जीत को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब आते हैं चौथे संकेत पर। चौथा संकेत है कि जब आपकी सारी उम्मीदें सारी आशाएं टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही परखेंगे, खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कमियों को खामियों को जड़ तक जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपके अपने जीवन में जो कुछ भी आपने खोया है या फिर जिसमें भी आप विफल हुए हैं उसका कारण ढूंढने लगेंगे और आप खुद से ही सवाल करेंगे
और यही वो वक्त है जब आप खुद ही अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है। भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तब आप खुद को और अपनी कमियों को भी समझने लगते हैं। इससे आपके खुद को बदलने और तराशने की क्रिया यहाँ से शुरू होती है और आप पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक स्थिर और चीज़ों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की खोज की राह में निकलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं, और वो इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, उनके संकेतों को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को समझते नहीं हैं तब तक ईश्वर और उसके प्रेम को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव को लेकर आते हैं, हमें उनके संदेशों और भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे फिर इसके लिए हमें कितने ही दुख क्यों ना देने पड़े। अब आते हैं छठे संकेत पर। छठा संकेत है, आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करते हैं। ये वो वक्त है जब आप बिल्कुल बदल चुके होते हैं, आप में अब बदलाव आ चुके होते हैं, आपके अंदर जीवन को देखने का जो नजरिया है वो बदल चुका होता है, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर अब बहुत कम होने लगेगा। बाहर घट रही हर घटना को आपको एक नाटक के रूप में आपको नजर आएगा, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर एक साक्षी भाव आने लग जाएगा। सातवां संकेत, जब आपको ये महसूस होने लगे कि आप ईश्वर के बहुत पास आ चुके हैं, आप उनके बहुत निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी आपको एक बड़ा झटका आएगा। झटका आएगा यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो कि आपको हिला कर रख देगा। इसे आप ईश्वर की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा कह सकते हैं। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ देगी। जो कुछ भी अब तक आपने अपनी साधना में, अपनी भक्ति की यात्रा में सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आ जाएंगी, ऐसे ऐसे दुख ईश्वर भेजेंगे या ऐसे ऐसे सुख या ऐशो आराम के साधन आपके जीवन में आ जाएंगे कि आपको वाकई लगने लगेगा कि आप ही सब कुछ हैं और ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक छलावा है। तो ये जो समय होता है, ये वो समय है सबसे अधिक धैर्य रखने का, सबसे ज़्यादा शांत रहने का। यदि आप इस वक्त अपने पद से विचलित नहीं हुए तो जा करके आपको आठवें संकेत की प्राप्ति होगी। और आठवां संकेत क्या है? आठवें संकेत के रूप में आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर या तो अपने साक्षात रूप में या किसी माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होकर आपको कृतार्थ करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। ये आठवां संकेत थोड़ा विचित्र है, ये इतना विचित्र है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ हैं या नहीं। बिल्कुल आपको हर पल ईश्वर के साथ का एहसास आपको हमेशा होगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी जिसे आप शब्दों में कह ही नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। आशा करती हूं कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम।